इस वीडियो में हम जानेंगे रेड ब्लैक ट्रिक के बारे में। सो यहाँ पे हम 5 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं और उन 5 पॉइंट्स से हम कंप्लीट रेड ब्लैक ट्रिक के बारे में जान लेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, रेड ब्लैक ट्री क्या होती है। सेकंड, रेड ब्लैक ट्री के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिससे कि किसी भी ट्री को रेड ब्लैक बनाती है। थर्ड पॉइंट, हम एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि वो ट्री रेड ब्लैक ट्री है या नहीं है। फोर्थ पॉइंट, हम कंपैरिजन करेंगे रेड ब्लैक ट्री को एविल ट्री के साथ में। फिफ्थ पॉइंट, हम रेड ब्लैक ट्री के एप्लीकेशन जानेंगे कि इसके आखिर यूज़ क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट, रेड ब्लैक ट्री क्या होती है। सो रेड ब्लैक ट्री इज ए सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री इन विच ईच नोड कंटेन्स एन एक्स्ट्रा बिट फॉर डिनोटिंग द कलर ऑफ द नोड, आइदर रेड और ब्लैक। यानी कि एक ऐसी बाइनरी सर्च ट्री जो सेल्फ बैलेंसिंग हो एंड उसका हर एक नोड कलर को डिनोट करता हो, आइदर वो ब्लैक हो सकता है या फिर रेड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये एक ट्री हमें दिख रही है। सो अगर इसकी हम बात करें इस ट्री के अंदर, तो ये एक बाइनरी ट्री है। इसके हर एक नोड जो चाइल्ड है वो 2 है या फिर 1 है, ठीक है, या फिर 0 है, राइट। तो 2 से ज़्यादा यहाँ पे चाइल्ड नहीं है। दूसरी चीज़, बाइनरी सर्च ट्री है। अगर यहाँ पे हम किसी भी नोड को देखते हैं तो उसका लेफ्ट चाइल्ड रूट नोड से छोटा है और राइट चाइल्ड रूट नोड से बड़ा है, ठीक है, 33, 3। सो एंड 33 एंड 53। सो बाइनरी सर्च ट्री यहाँ पे ये है। नाउ अब ये सेल्फ बैलेंसिंग किस तरीके से, तो सेल्फ बैलेंसिंग क्या होता है, या तो उस नोड का जो बैलेंस फैक्टर है -1 होगा, 0 होगा या फिर +1 होगा, राइट। सो इनके बारे में ये किस तरीके से निकाला जाता है, ये हमने एक वीडियो के अंदर कवर किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि बैलेंस फैक्टर क्या होती है। नाउ सो ये होती है इस टाइप की जो ट्री होती है। अब अगर हम देखें, बैलेंस तो ये हो गई, बाइनरी सर्च ट्री भी ये हो गई, एंड अगर इसका हम कोई भी नोड देखते हैं तो उसका कोई ना कोई कलर जरूर है। इसका ब्लैक, रेड, ब्लैक, 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 ब्लैक एंड ब्लैक, ये दोनों रेड, ये रेड, राइट। सो इस ट्री के अंदर जितने भी नोड है वो किसी ना किसी कलर को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सो इस टाइप की ट्री को हम बोलेंगे रेड ब्लैक ट्री। सेकेंड पॉइंट, रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मेनली एंड कंप्लीट जो प्रॉपर्टीज होती है रेड ब्लैक की, वो 5 टाइप की होती है। सो फर्स्ट, रेड ब्लैक प्रॉपर्टी। अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एवरी नोड इज कलर्ड आइदर रेड और ब्लैक, ठीक है। कि किसी भी रेड ब्लैक ट्री के अंदर जो भी नोड है वो या तो रेड होना चाहिए या फिर ब्लैक होना चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, उस ट्री का जो रूट नोड है वो ब्लैक होना चाहिए हमेशा, तभी वो एक रेड ब्लैक ट्री होगी। थर्ड जो उसकी प्रॉपर्टी है वो ये कि लीफ प्रॉपर्टी। अब लीफ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एवरी लीफ इज ब्लैक एंड नल, राइट। सो उस ट्री के अंदर जितने भी लीफ नोड है वो नल होंगे एंड ब्लैक होंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ब्लैक 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 ब्लैक, नल ब्लैक, नल ब्लैक, नल ब्लैक, राइट। एंड इसका जो रूट है वो भी ब्लैक है, ठीक है, एंड कलर्ड भी है। इनमें जितने भी नोड है वो सारे क्या है, कलर्ड है, एंड नल ब्लैक है एंड रूट ब्लैक है। नाउ ये 3 पॉइंट हमने समझ लिया। फोर्थ पॉइंट, रेड प्रॉपर्टी। सो रेड प्रॉपर्टी क्या कहती है, रेड प्रॉपर्टी ये कहती है कि रेड जो नोड होगा, रेड नोड जो होगा उससे जो डायरेक्ट कनेक्टेड होगा, चाहे वो चाइल्ड हो चाहे वो पेरेंट हो, ठीक है, उस चाइल्ड एंड पेरेंट कोई भी रेड नोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक रेड नोड है, तो इसका जो पेरेंट है वो रेड नहीं होना चाहिए और इसका जो चाइल्ड है वो भी रेड नहीं होना चाहिए। तो इसका जो पेरेंट है वो तो रूट है, तो ये तो ऑब्वियसली है कि ये तो ब्लैक ही होगा। बट अगर हम बात करें
इस 61 की, तो ये एक रेड नोड है, तो इसका जो चाइल्ड है ये दोनों चाइल्ड ब्लैक होंगे, ये रेड नहीं हो सकता। अगर रेड हो गए तो ये प्रॉपर्टी को वायलेट करेंगे तो वो रेड ब्लैक ट्री नहीं कहलाएगी, और उसका जो पेरेंट है वो भी रेड नहीं हो सकता यानी कि ब्लैक होगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है कोई ट्री तो वो रेड ब्लैक ट्री होगी। सो फोर्थ पॉइंट को भी फॉलो करना है। फिफ्थ पॉइंट, डेप्थ प्रॉपर्टी। अब ये डेप्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी पात का, सो डेप्थ प्रॉपर्टी कहती है कि रूट नोड से लीफ नोड तक जितने भी पाथ हैं, रूट नोड से लीफ जितने भी पाथ है, पाथ वन पाथ टू पाथ थ्री, यहाँ पे लीफ नोड, यहाँ पे भी लीफ नोड, तो यहाँ पे जो ब्लैक नोड की काउंटिंग हमेशा क्या होगी, सेम होगी। अगर यहाँ पे एक्स है यहाँ पे भी ब्लैक नोड का काउंट एक्स होना चाहिए, यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, राइट। इन सब की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अभी पाथ कौन कौन से, जैसे कि 33 से अगर यहाँ पे इस नल, इस लीफ नोड तक हम आएंगे तो यहाँ पे ब्लैक कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। सो ये पाथ वन, यहाँ पे वैल्यू हो गई 3, राइट। नाउ अब सेकंड जो पाथ है 3 13 11 नल, राइट। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो रेड नोड, सॉरी ब्लैक नोड कितने हो गए, 3 33 1 2 3, तो यहाँ पे भी ये कितने हो गए, 3। नाउ अभी जो लीफ नोड है ये वाला, यहाँ से अगर हम बात करें इन सब की अगर हम बात करें तो ये सेम लेवल पे है, तो हम इन सब का एक साथ ही निकाल लेते हैं। तो इनका अगर पाथ देखा जाए, इसका ये इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक नोड जो है इनकी काउंटिंग 3 होनी चाहिए, 1 1 2 3 3, सो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट। सो सबकी क्या आ रही है, 3 3 मिल रही है। नाउ अगर यहाँ पे हम बात करें इस वाले लीफ नोड की, और यहाँ से रूट से लेके इस लीफ नोड के पाथ में जो ब्लैक नोड है उनकी काउंटिंग देख लेते हैं, सो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे भी क्या आ रही है, 3। तो इन सब की क्या हो गई, 3 3, यानी कि इस तरह से ये लीफ नोड, तो इस तरह से यहाँ पे ब्लैक जो नोड होते हैं उनकी काउंटिंग की जाती है रूट नोड से लीफ नोड तक, रूट नोड से लीफ नोड तक ब्लैक नोड की काउंटिंग की जाती है, और इन सब पाथ में ब्लैक नोड की काउंटिंग सेम होनी चाहिए। तो ये हो गई आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। थर्ड चीज हम देख लेते हैं कि ट्री को फाइंड आउट करते हैं कि वो रेड ब्लैक ट्री है या नहीं है। सो यहाँ पे 6 सेपरेट मैंने एग्जांपल ले रखे हैं ट्रीज के, और उनको देखते हैं कि वो रेड ब्लैक ट्री है या नहीं है। सो फर्स्ट वन, नाउ इसको हम देखते हैं रेड ब्लैक ट्री है ये। अगर इनको हम देखें रूट बिल्कुल ब्लैक है, सो फर्स्ट वॉयलेशन नहीं है यहाँ पे रेड ब्लैक। एवरी नोड इज कलर्ड आइदर रेड और ब्लैक, सो इसमें जितने भी नोड है वो या तो ब्लैक है या फिर रेड है, बिल्कुल फाइन। सेकंड प्रॉपर्टी है द रूट इज ब्लैक, रूट बिल्कुल ब्लैक है। लीफ प्रॉपर्टी, एवरी लीफ इज ब्लैक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस ये वाला लीफ ब्लैक है, बट यहाँ पे ये रेड है, यहाँ पे रेड है, तो यहाँ पे जो है 3 प्रॉपर्टी वॉयलेट हो गई, राइट। नाउ सेकंड एग्जांपल देखते हैं, तो ये वाला हमारा जो ट्री है वो रेड ब्लैक नहीं है। सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं, सो इसमें जितने भी नोड है वो रेड या ब्लैक है, बिल्कुल है। लीफ नोड ब्लैक है, थर्ड लीफ प्रॉपर्टी, जो लीफ नोड है वो ब्लैक होने चाहिए, बिल्कुल ब्लैक है, फाइन। थर्ड भी, फोर्थ पॉइंट, रेड प्रॉपर्टी,
रेड प्रॉपर्टी मीन्स कि रेड देर शुड नॉट नो रेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे रेड नॉट है और इसका जो पेरेंट है और चाइल्ड है कोई भी रेड नहीं है, तो फोर्थ पॉइंट भी, फोर्थ प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है। फिफ्थ डेप्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ से रूट नोड से लीप तक हम ब्लैक जो नोड है उनको काउंट कर लेते हैं, सब में सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले लीप नोड तक अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे आते हैं ये 3 और यहाँ से यहाँ तक ये भी 3, यहाँ से अगर ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे भी 3, 1, 2, 3 और यहाँ से अगर ऐसे यहाँ पे जाएंगे इस वाले लीप नोड में तो यहाँ पे भी ब्लैक नोड की काउंटिंग 3 आ रही है। एंड इससे अगर इस वाले लीप नोड पे जाएंगे तो यहाँ पे भी ब्लैक नोड की काउंटिंग 1, 2, 3 आ रही है नाउ। सो फिफ्थ जो प्रॉपर्टी वो भी फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब ये रेड ब्लैक ट्री है। सो बिल्कुल ये रेड ब्लैक ट्री। नाउ थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि ये रेड ब्लैक ट्री है। सो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी रेड या ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जितने भी नोड है वो कलर्ड है, यानी कि ब्लैक से कलर्ड है। जी हाँ बिल्कुल, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी पास हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी रूट नोड शुड बी ब्लैक, रूट नोड भी ब्लैक है। थर्ड प्रॉपर्टी कि जितने भी लीफ नोड है वो ब्लैक होने चाहिए, बिल्कुल ब्लैक है। फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर कहीं पे रेड नोड है तो उसका जो पेरेंट है वो भी रेड होना चाहिए और चाइल्ड वो भी रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई रेड नोड ही नहीं है तो ये प्रॉपर्टी भी पास हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि इसका जो जो ब्लैक नोड है उनकी काउंटिंग सेम होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो इस वाले नोड पे हम देखें तो यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे इस लीप नोड में काउंटिंग कितनी है, तो यहाँ पे फिफ्थ जो है प्रॉपर्टी वो वॉयलेट हो गई है, राइट। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये लीप नोड ये रेड ब्लैक ट्री नहीं है। अगर ये नोड नहीं होता, ठीक है, अगर ये वाला नोड नहीं होता तो जी हाँ ये बिल्कुल आपकी एक रेड ब्लैक ट्री होती। अगर ये इतना सा ये होता तो ये बिल्कुल आपका रेड ब्लैक ट्री कहलाता। जरूरी नहीं है उसमें रेड नोड हो, अगर सारे ब्लैक नोड है तो भी वो रेड ब्लैक ट्री हो सकती है अगर सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है तो। बट यहाँ पे ये एक जो काउंटिंग है नोड की वहाँ पे ये वॉयलेट हो गई है। फोर्थ एग्जांपल हम देख लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल है यहाँ पे जितने भी नोड है रेड ब्लैक है, बिल्कुल हाँ रेड ब्लैक है, परफेक्ट। सो फर्स्ट भी होगी। सेकेंड रूट नोड ब्लैक होना चाहिए, बिल्कुल है। थर्ड जो है जितने भी लीफ नोड है वो ब्लैक होने चाहिए, बिल्कुल ब्लैक है, सारे के सारे क्या है नल है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी भी पास होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी रेड प्रॉपर्टी। सो रेड प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका पेरेंट भी ब्लैक है और चाइल्ड भी ब्लैक है, इसमें पेरेंट चाइल्ड सारे ब्लैक है, इसमें भी पेरेंट चाइल्ड ब्लैक है, इसमें भी पेरेंट चाइल्ड ब्लैक है, तो ये प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी भी पास होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो डेप्थ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं इस वाले नोड तक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 1, 2 एंड 3, तो ये आपके हो गए 3। इस वाले लीफ नोड तक काउंटिंग करें रेड ब्लैक की ब्लैक नोड की तो 1, 2, 3, यहाँ पे भी 3 है, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे भी 3, 1, 2 एंड 3, यहाँ पे भी 3। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 1, 2, 3, यहाँ पे भी 3, 1, 2, 1, 2 एंड
थ्री, यहाँ पे भी ये थ्री है, यहाँ पे ये रेड ब्लैक और ब्लैक नोड है, यहाँ पे ब्लैक नोड है, तो 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे ये देख लेते इनकी, तो यहाँ पे भी इनकी काउंटिंग कितनी, 1 2 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 3 3 सो ये जी हाँ बिल्कुल ये रेड ब्लैक ट्री होगी। ओके नाउ फिफ्थ एग्जांपल, सो यहाँ पे हम देखते हैं जितने भी नोड है वो रेड या ब्लैक है, बिल्कुल है, रूट नोड ब्लैक है, रेड का पेरेंट एंड चाइल्ड ब्लैक है, रेड का पेरेंट एंड चाइल्ड ब्लैक है, रेड का पेरेंट एंड चाइल्ड ब्लैक है, सो थर्ड प्रॉपर्टी वो भी पास हो गई, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो पास हो गई, और थर्ड प्रॉपर्टी जो है ब्लैक लीफ, सो ब्लैक लीफ है, सारे के सारे ब्लैक लीफ है, जी हाँ बिल्कुल, नल हो सकता कोई दिक्कत नहीं है बट ब्लैक होना चाहिए। नल क्यों लिया, क्योंकि 60 को 60 जो रेड नोड है उसके डाउन में ब्लैक नोड होने चाहिए, ठीक है, तो हमने वो नल इंसर्ट करा दी, ठीक है, तो यहाँ पे नल इंसर्ट कराए, तो यहाँ पे भी नल इंसर्ट हमने करा दी, ताकि जो डेप्थ प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी वो पास हो जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पास होती है नहीं होती है, तो इस वाले नोड की हम अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 सो ये हो गए 4, यहाँ पे भी ये 4, यहाँ पे 1 2 3 4 4, यहाँ पे भी 4, 1 2 3 4 4, यहाँ पे भी 4, 1 2 3 यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो ये फिफ्थ जो है वॉयलेट हो गई, राइट, सो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो वॉयलेट यहाँ पे हो गई, तो इस वजह से ये रेड ब्लैक ट्री नहीं है। नाउ इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पे जितने भी नोड है वो ब्लैक है एंड रेड है, एंड रूट नोड ब्लैक है, और जितने भी लीफ नोड है वो भी ब्लैक है, एंड इसका जो रेड है रेड नोड उसका पेरेंट ब्लैक है, बट एक चाइल्ड जो है वो रेड हो गया, तो यहाँ पे ये रेड प्रॉपर्टी यानी फोर्थ प्रॉपर्टी जो वॉयलेट हो गई, और इस वजह से ये क्या हो गई, रेड ब्लैक ट्री नहीं हो पाई। तो इसको अगर रेड ब्लैक ट्री बनाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे, ठीक है, तो इसका जब हम रोटेशन करेंगे, इसको थोड़ा मूव करेंगे, और इस ये वाला जो नोड है इसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे, इसको लेके चले जाएंगे, इस पूरे को रेड एंड नल दोनों को, और इसको हम यहाँ पे इसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे, ठीक है। नाउ इस तरीके से अगर हम बना देते हैं इसको, तब ये जो रेड प्रॉपर्टी हमारी वॉयलेट हो रही थी, अब यहाँ पे देखो रेड प्रॉपर्टी वॉयलेट नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये इस तरीके से पास हो गई, और अब इसका सारा का सारा जितना भी प्रॉपर्टी ये देख सकते हैं कि रूट नोड ब्लैक है, जितने भी लीफ नोड है वो भी ब्लैक है, एंड रेड प्रॉपर्टी वो भी फाइन है। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी डेप्थ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 यानी कि 2 2 2 काउंटिंग आ रही है यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे ये 3 हो गया, तो इस वजह से ये फिफ्थ प्रॉपर्टी की वजह से ये रेड ब्लैक ट्री नहीं हो पाई है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सी ट्री रेड ब्लैक होती है, कौन सी रेड ब्लैक नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हमें मिली है, एक तो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल ये बिल्कुल रेड ब्लैक ट्री है, एंड जो सेकेंड है वो भी हमारा रेड ब्लैक ट्री है। सो इस तरीके से ये रेड ब्लैक ट्री फाइंड आउट की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है एवल ट्री के साथ में कंपैरिजन। तो यहाँ पे एवल ट्री के अंदर क्या होता है कि जो एवल ट्री होती है वो मोर बैलेंस्ड होती है, ठीक है, वो क्या होती है, मोर बैलेंस्ड होती है रेड ब्लैक ट्री से। तो जो एवल ट्री के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि अगर इंसर्शन एंड डिलीशन हो, ठीक है, इंसर्शन एंड डिलीशन अगर ये चीज़ें अगर फ्रिक्वेंट हो रही है, तो वहाँ पे आपकी रेड ब्लैक ट्री
ज़्यादा काम में आएगी, क्योंकि एवियल ट्री के अंदर रोटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो रोटेशन की वजह से वहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है, टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। बट अगर सर्चिंग हो तो वहाँ पे एवियल ट्री परफेक्ट है, अगर सर्चिंग हो तो वहाँ एवियल ट्री बेस्ट है, ठीक है। तो यही मेन कंपेरिजन है इसका रेड ब्लैक ट्री एंड एवियल ट्री के अंदर। तो जहाँ पे इंसर्शन एंड डिलीशन हो वहाँ रेड ब्लैक ट्री, एंड सर्चिंग में एवियल ट्री बेस्ट है। तो ये हो गया आपका कंपेरिजन विथ एवियल ट्री। बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ द रेड ब्लैक। सो रेड ब्लैक कहाँ कहाँ पे यूज में आती है? तो रेड ब्लैक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री लाइब्रेरी फंक्शन लाइक मैपिंग मल्टी सेट एंड मल्टी मैप इन C++ जावा सी शार्प यूज रेड ब्लैक ट्रीज, राइट। रेड ब्लैक ट्री CPU सेटलिंग लिनक्स के अंदर भी काम में आता है, एंड आपके जो मशीन लर्निंग होती है उनके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए रेड ब्लैक का यूज़ किया जाता है। एंड MySQL के अंदर भी रेड ब्लैक का यूज़ किया जाता है फॉर इंडेक्सेस ऑन टेबल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सर्चिंग एंड इंसर्शन टाइम, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो जितने भी डेटाबेस होते हैं RDBMS, ठीक है, वहाँ पे भी रेड ब्लैक ट्री का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिससे कि सर्चिंग एंड इंसर्शन उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो सके। सो ये सारे एप्लीकेशन है रेड ब्लैक ट्री के। सो आई होप आपको रेड ब्लैक ट्री के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिली होगी। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंसर्न हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।